दोस्तों, सभी के जीवन में अपनों का होना बहुत जरूरी है। अब वो चाहे आपकी पत्नी हो, दोस्त हो, या मित्र, या अन्य सगे संबंधी, कोई भी, सभी बेहद जरूरी होते हैं। और हमारी पूरी जिंदगी हमारे अपनों के बीच ही उलझी रहती है, और कब समय बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। हम सभी उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, अपने मन की बातों को उनसे साझा करते हैं। लेकिन हम जो उन पर इतना विश्वास दिखाते हैं, क्या वास्तव में वो हमारे विश्वास के सही पात्र हैं या नहीं, हम ये कैसे जानें? अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि हमारे सामने अपनापन दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा भला बोलते हैं। लेकिन ये हम जानेंगे कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी परीक्षा आप ले सकते हैं। हम ये जान लें कि वो हमारे विश्वास के पात्र है भी या नहीं। आप सभी ने आचार्य चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। वो बहुत बड़े विद्वानों में शामिल है। उनकी बुद्धि की, नीति की मिसालें लोग आज तक देते हैं। आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार चाणक्य के अनुसार पत्नी, मित्र और नौकर की परीक्षा ले सकते हैं, ये जान सकें कि वो हमारे विश्वास के लायक हैं या नहीं। चाणक्य अपनी विद्वत्ता के बल पर सामने वाले किसी भी व्यक्ति को देख ये आसानी से बता सकते थे कि उसके मन के भाव क्या हैं, वो कैसा है। और ऐसी कई बातों का जिक्र उन्होंने शास्त्र में किया है जिसका वर्णन आज हम करेंगे। पहला है सेवक नौकर की परीक्षा। पुराने समय से लेकर आज के समय तक हर किसी के घर में नौकरों का होना बड़ी सामान्य सी बात है। लोग अपने काम में इतना व्यस्त होते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने घर को देख सकें, उसे संभालें। वो अपने काम के चक्करों में नौकर के ऊपर भरोसा कर अपना घर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि वो इतने विश्वास के पात्र है भी या नहीं? चाणक्य के अनुसार जब भी आप अपने घर में नौकरों को रखते हैं, उन पे यकीन कर जिम्मेदारी का कार्य देते हैं, तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वो आपके विश्वास के योग्य हैं भी या नहीं। उसके लिए आपको करना ये है कि किसी भी नौकर की वफादारी जानने के लिए उससे पैसों से संबंध कोई भी काम दे और स्वयं वहां से हटकर पीछे से उनके ऊपर निगरानी करें। लेकिन निगरानी इस तरह से हो कि उसे इसका एहसास ना हो, और फिर देखें कि वो उन पैसों के साथ क्या कर रहा है। यदि वो गलत होगा और यदि उसके मन में छल होगा तो वो उन पैसों का दुरुपयोग करने का प्रयास जरूर करेगा, आपको छलने का प्रयास जरूर करेगा, उसे चुराएगा। और यदि उसके मन में कुछ भी नहीं होगा तो वो ईमानदारी से रहेगा, आपका विश्वास बनाए रखेगा, और उसका यही व्यवहार आपको बता देगा कि आपका नौकर आपके विश्वास के पात्र है या नहीं। अगला है मित्र और सगे संबंधियों की परीक्षा। आपके मित्र और सगे संबंधी, इनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, अपने मन की हर बात साझा करते हैं, किसी भी संकट के समय सबसे पहले इन्हें याद करते हैं, उन्हें अपने पास देखना चाहते हैं। आप उन पर आंख बंद करके इस तरह भरोसा करते हैं कि उनकी झूठी बात भी आपको कई बार सही लगने लगती है। लेकिन उन पर इतना विश्वास करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वो आपके विश्वास के पात्र है भी या नहीं। चाणक्य के अनुसार आपको आपके मित्र या सगे संबंधी की विश्वसनीयता जानने के लिए आपको उनके आगे स्वयं को इस तरह दिखाना है कि आप संकट में हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, आपको उनकी सहायता की जरूरत है। आप पूरी तरह उन्हें इस तरह दिखाएं कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और ऐसा दिखाने के बाद आप उनके व्यवहार को देखें कि उनका रवैया आपके प्रति कैसा है, वो कितनी आपकी सहायता कर रहे हैं, कितना आपके साथ खड़े हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपके संकट में आपके दुख को समझ रहे हैं। उसका असली चेहरा आप अपने बुरे दिन में ही देख लेंगे कि आपके मित्र सगे संबंधी आपके कितने अपने हैं, आपको कितना मानते हैं। यदि उन्होंने आपके दुख में साथ दिया तो वो वास्तव में आपके अपने हैं। लेकिन वहीं यदि वो वहां से बच के निकल रहे हैं, आपसे कतरा रहे हैं, तो वो आपके सामने बस अपना होने का ढोंग कर रहे हैं। चाणक्य नीति अध्याय 1 के श्लोक में ये कहा गया है
कि किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख या अकाल संकट पर, फिर शत्रु की तरफ से संकट आने पर या फिर किसी की मृत्यु होने पर जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा मित्र अथवा सखा माना गया है। अगला है पत्नी की परीक्षा। दोस्तों, यदि आप विवाहित हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है, आप पर कितना यकीन करती है, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहती है या नहीं, तो चाणक्य के अनुसार आपको करना क्या चाहिए कि अपनी पत्नी को परखने के लिए आपको उसके समक्ष स्वयं को गरीबी और मुश्किलों से घिरा हुआ दिखाना है। आपको उसे ये महसूस करवाना है कि आप बहुत ज़्यादा संकट में हैं और आपको उसके साथ की ज़रूरत है। आपके पास धन नहीं है, गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तब उस परिस्थिति में ये देखें कि वो कैसा व्यवहार आपके साथ करती है, आपके बुरे समय में, दुख में आपका साथ देती है या फिर नहीं। अगर वो सच में आपसे प्रेम करती है, आप पर विश्वास करती है, आपकी सच्ची जीवन साथी है, तो वो आपके बुरे से बुरे समय में आपके साथ खड़ी रहेगी, आपकी ढाल बनकर। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये समझ जाएं कि वो आपके पैसे से ही प्यार करती है, आपसे उसे कोई मतलब नहीं है। और इससे अब आप जान सकते हैं कि पत्नी का प्यार धन से था या फिर सच्चा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये उपाय करके देखें और तब आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि जिन पर आप इतना विश्वास कर रहे हैं वो आपके विश्वास के पात्र है भी या नहीं। एक नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास खूब धन संपत्ति थी, बड़ा घर था जिसमें कई सारी सेवकों को उसने रखा था। घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। सेठ बचपन से ही एक रईसी जीवन व्यतीत करता आया था और वही सुखी जीवन वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी को देता आ रहा था। सेठ ने नगर नगर अपना कार्य फैला रखा था। हर जगह से उसे धन मिल रहा था। उसका व्यापार इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही था, घर में सभी लोग खुश और स्वस्थ थे। लेकिन धनी सेठ का मन उदास था। सेठ किसी बड़ी चिंता और दुख में था। सेठ की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो कई महीनों से सोया नहीं था, उसे नींद ही नहीं आती। यदि कभी कभी आँख लग भी जाती तो तुरंत उसकी नींद टूट जाती। वो सही तरह से नींद ले ही नहीं पा रहा था। ऐसा कई महीनों से चलता आ रहा था, जिसके लिए सेठ ने कई वैद्य को भी दिखाया लेकिन कोई उसका ये रोग पकड़ ही नहीं पाया कि सेठ को नींद ना आने का मुख्य कारण क्या है। इसी तरह वो चिंता में समय काट रहा था। अब ना तो उसे भूख लगती ना ही प्यास। धीरे धीरे सेठ की हालत और खराब हो गई। वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। सेठ की यह हालत देख घर के लोग भी अब चिंतित होने लगे थे। एक रोज सेठ का साथी मित्र उसके घर उससे मिलने आता है। सेठ को यूं देख वो बड़ा हैरान हो जाता है। कहां शरीर से मजबूत सेठ अब दिखने में बिल्कुल अजीब सा हो गया था। उसकी ये हालत देख मित्र पूछता है कि क्या हुआ। तब वो मित्र से अपनी मनोदशा बताता है कि ना जाने कितने महीनों से वो सोया नहीं है। सोने का प्रयास भी करता है तो तुरंत जाग उठता है। मैंने कितने वैद्यों को बुलाया, उनसे उपचार कराया लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ, ना ही कोई समस्या उनके सामने आई। हर तरह से ठीक हूँ फिर भी ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही। सेठ की ये बात सुन मित्र कुछ देर सोच में पड़ जाता है और तब वो सेठ से कहता है कि मेरे गांव में एक तपस्वी महात्मा का मठ है। वो एक बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध महात्मा है। उनके पास हर कोई अपनी समस्या लेकर जाता है और उसका समाधान लेकर ही वापस आता है। तुम्हें भी एक बार उनसे मिलना चाहिए, वो ज़रूर तुम्हारी नींद ना आने के कारण को ढूंढ लेंगे। ये सुन सेठ मान जाता है और अगले दिन ही मित्र के साथ उनके गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंच वो महात्मा के मठ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ दूरी तय करते ही जब वो मठ में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग लाइन लगाकर महात्मा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र और सेठ वो भी प्रतीक्षा करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वो देखते हैं कि दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे वृद्ध तपस्वी महात्मा बैठे हुए हैं, जिनके मुख पर एक अलग ही तेज दिख रहा है जो सभी को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। दूसरी तरफ जो उनके पास आ रहा था सभी के मुख पर एक मुस्कुराहट थी, मानो उनकी समस्या पूरी तरह हल हो गई। ये सब देख सेठ की भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि शायद उसकी समस्या का हल मिल जाए। काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद सेठ की बारी आती है। वो मित्र के साथ जा उन्हें प्रणाम कर
उनके समक्ष बैठ जाता है। महात्मा उससे उसकी समस्या पूछते हैं। तब सेठ कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति हर कुछ, हर तरह की सुख सुविधा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में भी माहौल बड़ा शांत है, सभी मिलजुल कर रहते हैं, ना तो पैसे की कोई समस्या, ना ही घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश, ना ही चिंता है। सब कुछ सही होते हुए भी न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आती। मैं बड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन तब भी ना मैं दिन में सो पाता हूँ और ना ही रात में। न जाने मेरी नींद कहाँ चली गई है। मैंने एक से एक वैद्य को भी बुलाया, लेकिन कोई मेरे रोग को समझ ना पाया। हुआ क्या है, क्यों मुझे नींद नहीं आती, कृपया कर मेरी समस्या का हल ढूंढें। ये सुन तपस्वी महात्मा उस सेठ की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं और तब उससे कहते हैं कि तुम्हें ना तो कोई रोग है और ना ही तुम बीमार हो जिसका वैद्य कोई उपचार करेंगे, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ये सुन सेठ कहता है कि फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती, ना जाने कितने समय से मैं सोया नहीं हूँ। ये सुन महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी नींद ना आने का कारण तुम स्वयं हो। ये सुन मित्र कहता है कि वो कैसे मुनिवर। तब महात्मा सेठ की तरफ देखकर कहते हैं कि यदि व्यक्ति इस तरह विकलांग होगा तो उसे नींद क्यों आएगी। ये सुन सेठ भड़क जाता है और कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो हर तरह से सही हूँ, फिर आप मुझे विकलांग कैसे कह सकते हैं, मेरे हाथ पैर बिल्कुल सलामत है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि विकलांगता का अर्थ हाथ पैर खराब होना नहीं होता, बल्कि विकलांग वो व्यक्ति होता है जो शरीर से पूरी तरह संपूर्ण होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता, उसे केवल आराम देता है, ऐसा व्यक्ति विकलांग होता है। ये सुन सेठ कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तब तपस्वी महात्मा कहते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम अपने घर में कौन कौन सा काम करते हो, वो भी स्वयं के हाथ पैर चलाकर। ये सुन सेठ कहता है कि कुछ भी नहीं, मेरे पास इतने नौकर हैं, भला मैं क्यों काम करूं। तब सेठ कहते हैं कि अब तुम स्वयं ही सोचो, जब तुम कोई काम ही नहीं करते हो तो नींद आएगी कैसे। महात्मा आगे सेठ को समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को नींद तब आती है जब वो थका होता है, और थकान होती है, और थकान तब होती है जब हम अपने शरीर से परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे उपयोग करते हैं। यदि शरीर को केवल आराम दोगे, उससे मेहनत नहीं करोगे, तो नींद कैसे आएगी। तुम्हारे घर में कई सारे नौकर हैं जो तुम्हारा घर से लेकर बाहर तक का सारा काम स्वयं संभाल लेते हैं, तुम्हारी एक आवाज़ पर वो हाजिर हो जाते हैं, और तुम पूरा समय केवल आराम करते हो, इस शरीर का उपयोग ही नहीं करते, तो ये कहाँ से थकेगा और उसे कैसे नींद आएगी। जो व्यक्ति स्वयं का काम स्वयं करता है, इस शरीर को मेहनत द्वारा चलाता है, पसीना बहाता है, पूरा समय परिश्रम कर जब घर जाता है, तब उसे प्यास भी लगती है और भूख भी और नींद भी आती है। लेकिन जब तुम पूरा समय बिस्तर पर लेटे रहोगे तो क्या नींद आएगी, नहीं, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। स्वयं उठो, मेहनत करो, फिर देखना तुम्हें नींद भी आएगी और भूख भी लगेगी। आज तुम घर जाकर अपने सेवकों से पूछना कि घर जाने के बाद उन्हें कैसी नींद आती है, उनका उत्तर तुम्हें सब बता देगा कि मेहनत करने से क्या होता है, तुम्हारी समस्या का यही एक हल है, परिश्रम करो। इतना कह महात्मा अपनी बात पूरी करके चले जाते हैं और सभा स्थगित कर अपनी कुटिया की तरफ लौट जाते हैं। सेठ अपने घर चला जाता है, वो पूरे मार्ग महात्मा की बातों के बारे में सोचता रहता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अपने कुछ सेवकों से बात करता है तो सुनता है कि आज उन्होंने बहुत काम किया, वो इतना थक गए हैं कि आज उन्हें गहरी नींद आएगी। तभी दूसरा सेवक उसे उत्तर देता है कि ये सत्य है कि परिश्रम करने के बाद एक सुकून भरी नींद हमें मिलती है। बिना उनसे कोई प्रश्न किए सेठ को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और तब वो पूरी तरह तपस्वी महात्मा की बात को समझ जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं से मेहनत करता है, अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, उसे एक अच्छी और गहरी नींद मिलती है। और तब उनकी बातों से प्रभावित हो वो मेहनत करना शुरू कर देता है, वो स्वयं से अब सब काम करने लगता है और धीरे धीरे उसकी नींद की समस्या अब दूर हो जाती है और वो स्वयं उन महात्मा का शिष्य बन उनके मठ में उनसे शिक्षा लेना शुरू कर देता है। अतः इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर मनुष्य को अपना ये शरीर इस्तेमाल करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उसके द्वारा किया गया परिश्रम उन्हें हर तरह से सुख प्रदान करता है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।